प्रदेश विशेषज्ञों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। नई जानकारी सरकारी लेटर जारी है जिसमें विशेषज्ञों का नाम पोर्टल से हटाए जाने के संबंध में आदेश जारी हुआ है। ये लेटर यहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा ये लेटर है, इसको पूरा जानकारी क्या है मैं यहाँ पर आपको पूरा जो है यहाँ पर जानकारी देने वाली। इस वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक अच्छे से समझ लीजिएगा। जितनी भी विशेषज्ञियाँ कार्य कर रही हैं, जिनका ट्रेनिंग हुआ है नहीं हुआ है, मशीन मिली है नहीं मिली है, सब विशेषज्ञ इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में यहाँ पर क्या लिखा है, कार्यालय उपायुक्त सदर रोजगार लखीमपुर खीरी। और अगर ये लेटर किस डेट का है बात करें तो दिनांक 6/2/2024 का, 6 फरवरी 2024 का ये लेटर है। बीसी सखियों के लिए नया आदेश आया है, क्या है, समस्त खंड विकास अधिकारी के लिए जनपद खीरी का लेटर और विषय दिया है अनिच्छुक बीसी सखी का नाम पोर्टल से हटाए जाने के संबंध में। यानी बीसी सखियों का नाम पोर्टल से हटाया जाएगा, वो कौन कौन सी बीसी सखियां होंगी ध्यान पूर्वक यहां पर इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है सभी बीसी सखियों के लिए, जो काम कर रही हैं, जो नहीं कर रही, जिनकी ट्रेनिंग बाकी है, ट्रेनिंग होनी है या जो कुछ भी। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है कि विशेष सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या जो भी यहाँ दी देख लीजिएगा, संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुछ बीसी सखियों का प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने के पश्चात अनेक व्यावहारिक कारणों से बीसी सखी का कार्य करने से इच्छुक नहीं है। योजना में जो बीसी सखी किसी भी कारणवश भिन्न भिन्न स्तर पर अनविलिंग अथवा अनिच्छुक हो जा रही है, अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक है, इच्छा नहीं है कार्य करने की, उनको पोर्टल से हटाने के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। चयन से लेकर क्रियाशील होने तक अलग अलग स्तरों पर बीसी सखियों के अनविलिंग होने के कारण निम्नवत है। अब कौन कौन बीसी सखी यहाँ से हटाई जानी है उसको लेकर की यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कौन कौन से कारणों से बीसी सखियों को यहाँ से हटाया जाएगा। यानी बीसी सखियों को पद से हटाया जाना है, पोर्टल से उनका नाम हटाया जाना है, वो कौन कौन सी बीसी सखी है ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर जो है पॉइंट्स दिए हैं, सबसे पहले बीसी सखी जिसकी मृत्यु हो जाना, अगर किसी की डेथ हो गई है तो ऐसी बीसी सखी का नाम हटा दिया जाएगा, उसकी जगह दूसरी बीसी सखी को रखा जाएगा। फिर दूसरा है किसी अन्य प्रदेश जनपद ग्राम पंचायत में बीसी सखी का विवाह हो जाना, अगर ऐसी कोई बीसी सखी जो अविवाहित थी, कोई लड़की बीसी सखी बनी थी और उसकी शादी विवाह जो है किसी दूसरे गाँव में, दूसरे जनपद में, दूसरे जिले में हो गया है, दूसरी ग्राम पंचायत में हो गया है, तो ऐसे में उसका भी पोर्टल से हटाना और उसकी जगह नई वैकेंसी फिर आएगी। फिर तीसरा है किन्हीं कारणों से लंबे समय तक के लिए ग्राम पंचायत से बाहर चली गई हो, उस स्थिति में ग्राम सचिव द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब अगर कोई बीसी सखी अपना बीसी सखी का काम छोड़ करके कहीं बाहर चली गई हैं और बहुत समय से ग्राम पंचायत से बाहर हैं, काम नहीं कर रही, वापस नहीं अपने ग्राम पंचायत में आई हैं, तो ऐसी बीसी सखियों को भी पद से हटाया जाएगा, पोर्टल से उनकी जगह दूसरी बीसी सखी को चयनित किया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत से बाहर चली गई हैं, लंबे समय से रह रही हैं किन्हीं भी कारणों से, तो ग्राम सचिव के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करके खंड विकास अधिकारी के माध्यम से हस्ताक्षरी करके उपलब्ध करा दिया जाएगा कि वो बीसी सखी ग्राम पंचायत में नहीं है। इसके अलावा बीसी सखी की शैक्षिक योग्यता में किसी तकनीकी कारणों से त्रुटि पाए जाने के कारण, जैसे इसमें कम से कम बीसी सखी में हाई स्कूल पास मांगी गई थी, यदि इनके शैक्षिक योग्यता में कोई कमी है, कोई त्रुटि है तकनीकी कारणों से कोई भी आ रही है, या जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट में आ रही है, तो ऐसी बीसी सखियों को हटा करके दूसरी बीसी सखी को ट्रेनिंग आदि दिया जाएगा, चयन किया जाएगा। फिर है लिखित रूप से कार्य ना किए जाने की सूचना प्रदान करना, ठीक है। तो अगर लिखित रूप से कार्य ना किए जाने की सूचना प्रदान मतलब के नहीं की गई है, तो इसके जगह पे भी यहाँ पे लिखा है भी सखियों को पोर्टल से हटाना है। फिर है ग्राम पंचायत नगर पालिका नगर निगम में स्थानांतरित हो गई हो, मतलब कोई बीसी सखी गाँव में चयनित हुई थी और अब वर्तमान में वो किसी सिटी में जाकर रहने लगी, वहाँ घर आदि बनवा लिया है, मतलब नगर निगम में रहने लगी हैं, नगर पंचायत में रहने लगी हैं, गांव में नहीं रहती हैं, नगर पालिका में चली गई हैं, या ऐसी कोई जो है ग्राम पंचायत जो कि नगर पालिका में आ गई है, नगर पंचायत में आ गई है, अब वो गांव नहीं रह गई, पंचायत हो गई है, नगर निगम के उसमें हो गई है, तो ऐसी जगह पर भी पोर्टल से हटाया जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिखी, ध्यान से देखिएगा। ऐसी बीसी सखियां जिनका चयन किया जा चुका है परंतु प्रशिक्षण हेतु अनिच्छुक हैं, क्योंकि बहुत दीदियां ऐसी होंगी जिनका चयन शॉर्ट लिस्टिंग में हो गया होगा और लेकिन वो सोच रही है कि हम जो है ट्रेनिंग नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उनके इच्छुक न होने पर लिखित पत्र प्राप्त करते हुए आरसीटी द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात मुख्य विकास अधिकारी महोदय से अनुमोदित पत्र मिशन मुख्यालय को प्रेषित करते हुए upsrlm.org पोर्टल पर संबंधित बैंक द्वारा अनविलिंग हेड में अंकित किया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है ऐसी बीसी सखियों जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं परंतु उनको सपोर्ट फंड प्राप्त नहीं हुआ, जो 75,000 रुपया मिलता है समूह के खाते के माध्यम से बीसी सखियों को डिवाइस आदि खरीदने के लिए, तो ऐसी बीसी सखियां जिनको ट्रेनिंग तो मिल गई है लेकिन 75,000 रुपये नहीं मिले हैं सपोर्ट फंड, तो यहाँ पर लिखा है उनके इच्छुक ना होने पर, जैसे कि अगर आपने ट्रेनिंग ले लिया है, सपोर्ट फंड नहीं मिला है और आपकी इच्छा नहीं है कार्य करने की, तो उनके इच्छुक ना होने पर लिखित पत्र प्राप्त करते हुए संबंधित बैंक से प्रमाणित किए जाने के पश्चात मुख्य विकास अधिकारी महोदय से अनुमोदित पत्र मिशन मुख्यालय को प्रेषित करते हुए उन्हें upsrlm.org पोर्टल पर संबंधित बैंक द्वारा अनविलिंग हेड में अंकित किया जाए। ठीक है, इसके बाद तीसरा है बीसी सखी को सपोर्ट फंड प्राप्त है परंतु वह अनविलिंग अनिच्छुक है, यानी ऐसी बीसी सखियां जिनको ट्रेनिंग के बाद सपोर्ट फंड 75,000 मिल गया है लेकिन अब उनकी इच्छा नहीं है कार्य करने की बीसी सखी का, तो जिन बीसी सखियों को सपोर्ट फंड की धनराशि मिशन मुख्यालय से प्रदान की जा चुकी हो तथा वह बीसी सखी का कार्य करने की इच्छुक न हो, ऐसी स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी महोदय बीसी से स्वयं वार्ता करके हलफनामा एफिडेविट प्राप्त करते हुए इस बात को प्रमाणित करेंगे कि सपोर्ट फंड मिशन मुख्यालय को वापस किया जा चुका है। तो ऐसी बीसी सखी से पहले सपोर्ट फंड वापसी करवाया जाएगा, उसके बाद एफिडेविट बनवा करके और इस तरीके से बीसी सखियों से जो है बात करके मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा उसको जो सपोर्ट फंड वापसी के बाद पोर्टल से अनविलिंग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बीसी सखी जिसको हैंड हेल्ड मशीन प्राप्त है परंतु वह अनविलिंग अनिच्छुक है, यानी आपने ट्रेनिंग भी ले लिया, सपोर्ट फंड भी मिल गया, सपोर्ट फंड आपने समूह के खाते से निकलवा भी लिया, ट्रांसफ़र कर लिया, जो भी आपको मिल गया, आपको मशीन भी आपने खरीद ली, लेकिन अब आप काम करने की इच्छुक नहीं है, तो जिस बीसी सखी को सपोर्ट फंड की धनराशि एवं हैंड हेल्ड मशीन प्राप्त की जा चुकी है और वह बीसी सखी का कार्य करने की इच्छुक न हो, ऐसी स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा बीसी सखी से स्वयं वार्ता करके हलफनामा एफिडेविट प्राप्त करते हुए इस बात को प्रमाणित करेंगे कि सपोर्ट फंड एवं हैंड हेल्ड मशीन वापस किया जा चुका है, यानी कि आपसे मुख्य विकास अधिकारी महोदय वार्ता करेंगे, बात करेंगे, एफिडेविट बनवाया जाएगा और इस पर प्रमाणित भी करेंगे कि सपोर्ट फंड भी आपने वापस कर दिया है और मशीन भी आपने वापस कर दिया है, उसके बाद आपको पोर्टल पर अनविलिंग दिखाया जाएगा। तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अनविलिंग अनिच्छुक किए जाने के पश्चात इस नियमावली से अगर बीसी सखी संतुष्ट नहीं पाई जाती है तो उस स्थिति में उक्त बीसी सखी जिलाधिकारी महोदय के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है, अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्र के साथ संलग्न दिशा निर्देशों का अपने विकास खंड में कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। तो अगर ऐसी कोई बीसी सखी जैसे जो अनिच्छुक है या अनविलिंग है, अगर इस नियम वाली से संतुष्ट नहीं है, इस नियम से आप संतुष्ट नहीं है, कोई अगर आपको बात कहनी है तो ऐसी बीसी सखी जिलाधिकारी महोदय के पास अपनी बात रखने जा सकती हैं। आगे अभी और है, और भी इसके आगे लेटर है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी, अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगी कि यहाँ पर बीसी सखियों को पोर्टल से अनिच्छुक बीसी सखियों को अनविलिंग करने की बात कही गई है, लेकिन जो बीसी सखियाँ इच्छुक हैं, शॉर्ट लिस्टेड हैं, ट्रेनिंग बाकी है, ट्रेनिंग पर जाने की इच्छुक हैं या जिनको डिवाइस अभी नहीं मिली है, ऐसी बहुत सारी जो बीसी सखियाँ होंगी तो उनको भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए मैं अगली वीडियो लेकर आने वाली हूँ। अगली वीडियो आप ज़रूर से ध्यानपूर्वक देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नई नई अपडेट जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहा करें। सेकंड चैनल SSG वॉइस, उस पर भी आप लोग वीडियोस देखते रहा करें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।